हेलो बच्चों, स्वागत है चैनल हमारे चैनल एस एडवेंचर में। और आज हम लोग एक्सरसाइज 4.4 का इंट्रोडक्शन लेक्चर लेके आए हैं और वो टॉपिक है नेचर ऑफ रूट। नेचर ऑफ रूट मतलब क्या होता है? रूट्स मतलब मैथ्स में जो होता है वो होता है सॉल्यूशन। जिस तरह का सॉल्यूशन देगा उसके नेचर के बारे में बात करना है। जैसे आप देखिएगा तो हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो भी रूट्स आते हैं उन रूट्स की संख्या कितनी होती है? दो। या सॉल्यूशन की संख्या कितनी होती है? दो। कभी कभी दोनों सॉल्यूशन बराबर आते हैं जिसको बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर। कभी कभी दो सॉल्यूशन बराबर नहीं आते हैं तो जो सॉल्यूशन होते हैं उनको बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर नहीं है इक्वेशन। जब आपका सॉल्यूशन बराबर आता है, जब सॉल्यूशन इक्वल आएंगे, सॉल्यूशंस आर इक्वल, या फिर बोलेंगे रूट्स आर इक्वल, जब ऐसा होगा तब उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बोलेंगे परफेक्ट स्क्वायर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज कॉल्ड अ परफेक्ट स्क्वायर, अदरवाइज परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर रूट्स जो है, रूट्स आर नॉट इक्वल, अगर रूट्स इक्वल नहीं है तो क्या होगा? क्वाड्रेटिक जो होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता दूं, जैसे इस तरह का लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो, ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, ओके, नाइन ले लीजिए। देखिएगा ये परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर कैसा है अब इसको मिलीटर में स्प्लिट करके देख लीजिए। जैसे आप लिख लीजिए प्रोडक्ट और सम, प्रोडक्ट कितना है नाइन एक्स स्क्वायर और सम है माइनस सिक्स एक्स। ठीक है, थ्री थ्री जो नाइन होता है दोनों को जोड़ने के पे सिक्स आएगा, तो ये इस तरह से आ गया। यहाँ पर एक्स कॉमन निकालिएगा तो एक्स माइनस थ्री, यहाँ पर थ्री कॉमन निकालिएगा तो फिर से एक्स माइनस थ्री, तो ये कितना आएगा? एक्स माइनस थ्री कॉमन निकालिएगा तो फिर अगेन एक्स माइनस थ्री आएगा, यानी यहाँ पर आएगा एक्स माइनस थ्री और यहाँ पर भी आएगा एक्स माइनस थ्री। तो दोनों जो रूट्स हैं इसका रूट्स क्या आ गया? थ्री कॉमा थ्री। तो ये परफेक्ट स्क्वायर था किसका? परफेक्ट स्क्वायर था एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो का, परफेक्ट स्क्वायर। तो कभी कभी सॉल्यूशन बराबर आते हैं जैसे यहां पर आ रहा है, और जनरली सॉल्यूशन बराबर कभी कभी नहीं भी आते हैं। तो इसी पर हम लोग को बात करना है आज कि भाई नेचर क्या होता है रूट्स का, और बिना सॉल्व किए कैसे पता? जैसे तो सॉल्व किए ना, ये आपने सॉल्व किया तो पता लगाया कि हमारा नेचर, हमारा रूट्स कैसा कैसा है। अभी जो टॉपिक पढ़ेंगे डिस्क्रिमिनेंट का टॉपिक पढ़ेंगे, डिस्क्रिमिनेंट का जो लेक्चर हम लोग ने कर चुका है उसको आप पहले पूरा देख लीजिएगा, नहीं तो फिर आपको यहाँ वाला लेक्चर कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट का क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का बाद इससे जस्ट पहले वाले लेक्चर में हम लोग कर चुके हैं, इसके जस्ट पहले वाले के एक पहले वाला लेक्चर में। ठीक है, 4.3 का एक्सरसाइज था वो, 4.3 का लेक्चर नंबर 2 था वो, पार्ट नंबर 2 था, तो वहाँ डिस्क्रिमिनेंट का बात पूरा किए हैं। तो आज डिस्क्रिमिनेंट से ही हम लोग नेचर निकालेंगे कि बिना सॉल्व किए सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट निकाल के हम लोग कैसे पता लगा सकते हैं कि भाई कौन सा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, कौन सा नहीं होगा। ठीक है, तो ये बस इंट्रोडक्शन था कि भाई बताने के लिए कि इस तरह से हम लोग का चीज़ें होने वाली हैं अभी के लेक्चर में। ठीक है, नोट कर लीजिए, उसको मिटा देंगे। शुरू में वही बात है कि जो रूट्स है, रूट्स मतलब क्या होता है? रूट्स मतलब सोल्यूशन होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सोल्यूशन की संख्या दो होती है। कभी कभी रूट्स बराबर आते हैं या सोल्यूशन बराबर आते हैं, तो ऐसे सोल्यूशन को बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर, ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर। और जब रूट्स बराबर नहीं आएंगे तो बोलेंगे वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जैसे एग्जाम्पल एक लेके दिखाया आपको, ये वाला एग्जाम्पल कि इसमें देख रहे हैं जो रूट्स आ रहे हैं या जो सोल्यूशन आ रहे हैं वो थ्री थ्री आ रहे हैं,
तो 3 3 आ रहा है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। अब देखिए ना यहाँ पर x माइनस थ्री जुड़िएगा, पावर जब जुड़ेगा तो x माइनस थ्री का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर है। तो जो परफेक्ट स्क्वायर होगा उसका रूट्स बराबर आएगा। इतना हम लोग ऐसे दिखाया आपको, जो मेन काम जो मेन फॉर्मूला वो भी बताएंगे अभी आपको, मिटा देते हैं। चलो ठीक है, अब आइए जो बात हम करने वाले हैं वो फॉर्मूला बेस्ड बात करेंगे। जनरल सॉल्यूशन जो होता है, जनरल इक्वेशन जो होता है क्वाड्रेटिक का, इस तरह से होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। ठीक है, ए बी सी का मायने आप जानते हैं, पिछला लेक्चर में बताए थे। ठीक है, इसका जो वही हम लोग x निकालते थे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, जो हम लोग का क्वाड्रेटिक फॉर्मूला था वो क्या था, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का जो बात किए थे वो बात किए थे कि भाई x इक्वल टू कितना होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई टू ए, है ना। इसमें आपका b a सबका वैल्यू हमको पता है, b क्या है x का कोफिशियंट है, a क्या है x स्क्वायर का कोफिशियंट है, और D को क्या बोलते थे, डिस्क्रिमिनेंट, जिसका वैल्यू हम लोग जानते हैं कितना होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ये होता है। ठीक है, अब इसी पे हमको आज बात ही करना है, रूट्स या फॉर्मूला लगाना नहीं है, इस पे हमको बात करना है। ठीक है, ओके, ध्यान से सुनिए, तीन कंडीशन बनाएंगे। ठीक है, डी का वैल्यू क्या क्या आना चाहिए, चलो इतना हम इस सब हटा देते हैं, सब चीज ये भी। जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट है, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। ठीक, अब होगा क्या कि डिस्क्रिमिनेंट का तीन वैल्यू आ सकता है, हो सकता है डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आए, पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट आपका ग्रेटर देन जीरो आ जाए, है ना। अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो आ गया, आप डिस्क्रिमिनेंट निकाले और आपका डिस्क्रिमिनेंट जो है, आपका डी जो है वो जीरो से बड़ा आ गया, अगर ऐसा होगा तो आपका जो भी रूट्स होगा वो रूट्स इक्वल नहीं होगा। मेरी बात ध्यान से सुनो, यहां से पहला कंडीशन क्या आया, कंडीशन आया रूट्स या फिर सोल्यूशन आर रियल, रियल तो होगा ही, जो रियल नंबर के जो नंबर्स हैं, रियल नंबर मतलब रैशनल भी आ सकते हैं, इरैशनल भी आ सकते हैं, कुछ भी आ सकता है, रियल होगा और क्या होगा, रूट्स आर अनइक्वल, अनइक्वल होगा। दोनों बात ध्यान से सुनो, रूट्स हमारा क्या बोला, अनइक्वल होगा, और रूट्स क्या होगा, रियल होगा। ठीक है, अगर d ग्रेटर देन जीरो आ रहा है तब। ठीक, इसी का सेकंड अलग केस है, ये तो फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस क्या है कि अगर d जो हो गया इक्वल टू जीरो हो गया, हमने d निकाला और d इक्वल टू जीरो हो गया, हो भी सकता है भाई, d का तो तीन वैल्यू आ सकता है ना, अगर रियल नंबर को देखें, ये अगर माइनस, ये अगर प्लस इन्फिनिटी है, इधर माइनस इन्फिनिटी है, ठीक है, बीच में जीरो है, प्लॉट करते हैं ना इधर माइनस वन माइनस टू ऐसे करके, वन टू ऐसे करके, इस तरह से, इन्फिनिटी का मतलब आपकी समझ में नहीं आएगा, छोड़ दीजिए इसको, इस तरह से। तो ये हो सकता है डी का वैल्यू जीरो भी आ जाए, इस ये सेक्शन क्या है, ये सेक्शन जो इधर का है डी ग्रेटर देन जीरो है, इधर डी इक्वल टू जीरो है, और ये जो पार्ट है वो क्या है, लेस देन जीरो है। तो तीनों पॉसिबिलिटी होगा, तीनों पे बात करेंगे अभी। तो d अगर इक्वल टू जीरो आ जाए, d जीरो आ जाए, हमने d निकाला ऐसे फॉर्मूला इस्तेमाल करके और d जीरो आ गया, तब क्या बोलेंगे, तब बोलेंगे कि रूट्स आर रियल,
रियल तो है ही एंड इक्वल, हम लोग यूज क्या करेंगे इक्वल, दोनों रूट्स इक्वल, यानी ये क्या होगा, ये परफेक्ट स्क्वायर है कंडीशन है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अ परफेक्ट स्क्वायर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। यहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और इस केस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक आपका परफेक्ट स्क्वायर बनेगा ही बनेगा। बात को समझ में आ रहा है, दोनों पॉइंट पे बात की है, एक तो आपका डी पॉजिटिव, जीरो भी पॉजिटिव माना जाता है, लेकिन जीरो मतलब पूरा एकदम जीरो, वैल्यू ही नहीं है उसका, जीरो, और एक ग्रेटर देन जीरो। ये जो केस हो गया, ये जो एरिया हो गया, ये ग्रेटर देन जीरो का है, तो ये दो हो गया। तीसरा पे बात करेंगे जब लेस देन जीरो आएगा, और तीनों का एग्जाम्पल और क्वेश्चन भी दिखाएंगे आप लोग। ये नोट में डालिए ये बात, ये सब लिखिए, नेचर ऑफ रूट हेडिंग लगा के अच्छे से लिखिए, ठीक है, चलो मिटाएं। ओके, अब हो सकता है तीसरा केस कि आपका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो नेगेटिव आ गया। डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया, नेगेटिव। याद कीजिए पिछला वाला एक्सरसाइज में एक एग्जाम एक क्वेश्चन भी आया था जिसमें डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आया था, तो मैंने बोल दिया था कि इसका रूट्स नहीं निकलेगा क्योंकि रियल नंबर सोल्यूशन नहीं देगा। तो वही चीज यहां पर दोबारा बोल रहे हैं कि डिस्क्रिमिनेंट अगर नेगेटिव है, अगर लेस देन जीरो आ गया, तब रूट्स जो होगा हम लोग बस इतना ही लिख सकते हैं, निकाल तो सकते नहीं है, बस लिख सकते हैं इसमें कमेंट में कि रूट्स और सोल्यूशन आर इमेजिनरी, ठीक है, इक्वल है नहीं इक्वल उससे तो बात ही नहीं करना, इमेजिनरी बोलेंगे, काल्पनिक रूट्स आएगा। मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि वी कांट फाइंड इट्स रियल नंबर सोल्यूशन, हम लोग उसका रियल नंबर सोल्यूशन नहीं निकाल सकते हैं, इसका रूट निकलेगा ही नहीं, इमेजिनरी रूट है। इमेजिनरी रूट को जब सॉल्व करवाया जाएगा, 11th क्लास में सॉल्व करवाया जाएगा, जब आप पढ़िएगा कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, तो इमेजिनरी रूट को बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्स रूट है, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स रूट्स, इसके रूट्स जो आएंगे वो कॉम्प्लेक्स रूट आएंगे, हम लोग उसको फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है, आउट ऑफ सिलेबस है, सिलेबस के बाहर, ठीक है। तो इतना ही है आपका, इसके बाद क्वेश्चन दिखाएंगे आपको कि कैसे कैसे कभी जीरो आएगा डिस्क्रिमिनेंट, कभी लेस देन जीरो आएगा, कभी ग्रेटर देन जीरो आएगा, और कब निकालेंगे नहीं निकालेंगे, नेचर कैसे बताना है वो सब। और कुछ क्वेश्चन और भी हैं जो अननोन क्वांटिटी पे आते हैं, के वगैरह डाल देता है और बोलता है के किस वैल्यू पे ये इक्वल सोल्यूशन देगा, नो सोल्यूशन देगा, ये सब। तो वैरायटी है क्वेश्चन में, एक्सरसाइज नंबर 4.3 शुरू करते हैं इसको बनाना, ठीक है, इतना नोट में डालिए, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 हो गए, मिटा दें। चलो चलिए क्वेश्चन उठाते हैं, क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.4 के एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 में दिखाऊं तो तीन क्वेश्चन है, पहला दूसरा तीसरा तीनों हम बनाएंगे, आप देखिए। पहले क्वेश्चन को पढ़ के सुनाता हूं कि ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है निकालेंगे। क्वेश्चन बोला है कि फाइंड द नेचर ऑफ रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम, ठीक है।
ठीक है। तो बोला है भाई कि अगर आप पहले ये बताइए कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा रूट देगा, रूट्स का नेचर क्या होगा, और अगर रियल रूट आ रहा है, इमेजिनरी नहीं आ रहा है, तो निकाल के भी दिखाइए। तो फॉर्मूला क्या था टी का, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो ए बी सी का वैल्यू कंपेयर करके निकालिए, हमारा जो स्टैंडर्ड इक्वेशन वो क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स, सॉरी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ठीक है। और डी का फॉर्मूला यहाँ लिख देता हूँ मैं, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ठीक है। यहाँ से कंपेयर कर लीजिए आप, यहाँ से इसको कंपेयर कीजिए, तो ए बी सी कितना होगा, टू, बी होगा माइनस थ्री और सी होगा फाइव। डी निकालिए, डी कितना होगा, तो कंपेयर कीजिए, रखिए वैल्यू, माइनस थ्री का स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए इंटू सी कितना होगा, नाइन। अभी कितना आ जाएगा, पाँच दूनी दस, दस चौके चालीस। देखिए ये नेगेटिव आंसर आ रहा है, कितना आ रहा है, माइनस थर्टी वन, है कि नहीं। तो यहाँ पर आप इसका रियल रूट नहीं निकाल सकते हैं, डिस्क्रिमिनेंट जो आ गया वो लेस देन जीरो आ गया। तो बोलेंगे रूट्स आर नॉट रियल, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, नो रियल रूट एग्जिस्ट, नो रियल रूट एग्जिस्ट, रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो हम लोग इसको निकाल ही नहीं सकते हैं, बस। अगर एग्जिस्ट करेगा तो निकाल सकते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्लियर है, बोलो अच्छे से क्लियर है। डिस्क्रिमिनेंट निकाले, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू नेगेटिव आया तो बोल दिए रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा, हम लोग सॉल्व इसको नहीं कर सकते हैं। चलो मिटा दें, ओके चलो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है भाई 3x स्क्वायर माइनस फोर रूट थ्री एक्स प्लस फोर इक्वल टू जीरो, ठीक है। हमारा भाई स्टैंडर्ड इक्वेशन यही है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, और डिस्क्रिमिनेंट हम लोग जानते हैं निकालना, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ठीक है। अब देखिए आइए ए बी सी बताइए, ए कितना है थ्री, कंपेयर करिए, बी कितना है, ये बी है माइनस फोर रूट थ्री, और सी कितना है फोर। अब डिस्क्रिमिनेंट निकाल लीजिए, देखिए बी स्क्वायर यानी रूट थ्री माइनस फोर रूट थ्री का होल स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए की जगह रखिए थ्री और सी की जगह रखिए फोर, ठीक है ना, फोर ए सी। अब देखिए ये माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, फोर का स्क्वायर होता है सोलह और रूट थ्री इंटू रूट थ्री होता है थ्री, यहाँ कितना आएगा, फोर फोर या सिक्सटीन, सिक्सटीन इंटू थ्री है कि नहीं, फोर्टी एट माइनस फोर्टी एट आ गया, तो डी कितना आ गया जीरो, डी जीरो आ गया। इसका मतलब क्या है, हमारा रूट्स जो है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, हमारा जो रूट्स है वो बराबर है और इक्वल है, रियल है, ओके। अब निकालना बहुत आसान है, फॉर्मूला लगा दीजिए क्वाड्रेटिक का, क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला क्या पढ़े बताइए, यहां लिख देता हूं x इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट डी बाई टू ए, और एक पढ़ा है माइनस बी माइनस रूट डी बाई टू ए, ये दोनों फॉर्मूला पढ़ा है हम लोग ने। आप चाहें तो नहीं तो मिडिल टर्म स्प्लिट करके भी बड़े आराम से बना सकते हैं, लेकिन डी निकाल लिए तो फिर तो थोड़ा दूरी है, चल देते हैं एक्स में लगा देते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देते हैं। तो एक्स कितना आएगा बताइए, माइनस बी, माइनस कितना रखेंगे, माइनस फोर, माइनस और माइनस फोर रूट थ्री बाई टू ए, टू इंटू थ्री और प्लस जीरो, और एक माइनस वाला लगा दीजिए, माइनस और माइनस फोर रूट थ्री माइनस जीरो बाई टू इंटू थ्री, तो माइनस जीरो प्लस जीरो का मतलब ही नहीं है, खत्म है कहानी। तो माइनस इंटू माइनस होगा प्लस फोर रूट थ्री बाई टू थ्री, टू इंटू थ्री ये होगा फोर रूट थ्री बाई टू इंटू थ्री,
टू से ये टू बार में कट गया, फिर टू से ये भी टू बार में कट गया, तो दोनों रूट इक्वल है, तो आंसर आएगा टू रूट थ्री बाई थ्री, और ये भी कितना आएगा टू रूट थ्री बाई थ्री। अगर नीचे ये रैशनल नंबर आता है तो उसको रैशनलाइज करते हैं, लेकिन अभी के लिए आंसर सही है। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए। ओके, लास्ट क्वेश्चन, पहले नंबर का लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद फिर हम लोग दूसरा तीसरा को अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। मिटा दूं मैं, मिटाएं कोई दिक्कत नहीं, एकदम आराम से चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर थ्री देखिए, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब यहां वही ए बी सी का वैल्यू निकालिए, ए कितना है 2, बी है माइनस 6 और सी है 3। ठीक, तो डिस्क्रिमिनेंट कितना आ जाएगा आपका, लगाइए बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, तो माइनस सिक्स का स्क्वायर कितना होगा 36, और 4 टू जाए 8 और 8 थ्री जाए 24, तो 24 आ गए, तो 24 में से 36 गया, कितना बचा 12 बचा कि नहीं 12, 12 मतलब क्या होता है ग्रेटर देन 0, डी आपका क्या है पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब अनइक्वल रूट आएगा, अनइक्वल एंड बोलो रियल रूट आएगा, अनइक्वल एंड रियल रूट आएगा। तो पहला पार्ट का आंसर हो गया, हम लोग बता दिए नेचर ऑफ रूट क्या हो रहा है इसका। अब क्या करेंगे, अब आप रूट्स निकाल लीजिए इसका आराम से। ठीक है, चलिए बताइए x इक्वल टू माइनस बी की जगह क्या रखिएगा, बी की जगह रखिएगा माइनस ऑफ 6 प्लस रूट अंडर 12 बाई 2 इंटू 2, और एक बार रखिए प्लस की जगह पे माइनस रूट अंडर 12 बाई 2 इंटू 2, 4 लिख दीजिए, एक ही बात है। अब क्या करें, अब इसको सॉल्व कीजिए, माइनस इंटू माइनस प्लस, देखो 12 को थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पे 12 को लिख पाइएगा ना 4 इंटू 3, और 4 जब बाहर निकलेगा तो 2 बन के बाहर निकलेगा, तो लिख देंगे 2 रूट 3, तो वही लिख देते हैं 2 रूट 3 बाई 4, यहाँ पे लिख दीजिए 6 माइनस 2 रूट 3 बाई 4, कंजुगेट में आंसर आना चाहिए, हमेशा आता ही है। अब इसको लास्टली क्या कॉमन निकाल लीजिए, देखिए यहाँ पर देखिए 2 और 6 में 2 कॉमन है, तो कॉमन निकाल लीजिएगा, तो बचेगा 3 प्लस 2 रूट 3 बाई 4, यहाँ बचेगा 2 फिर 3 माइनस 2 रूट 3, 3 माइनस 2 रूट 3 बाई 4, फिर 2 से ये काट दीजिए 2 और ये भी 2 से काट दीजिए 2, हो गया। अब क्या आंसर आएगा हमारा, x देख लीजिए x कितना आएगा, x आएगा एक बार 3 प्लस 2 रूट 3 बाई 2, और एक बार आएगा 3 माइनस 2 रूट 3 बाई 2, यही दोनों आपका आंसर है। ठीक है, आप चेक भी कर सकते हैं अपना आंसर। ओके, यही है, एक मिनट, 2 रूट 3 6 है, एक मिनट, यहाँ पर तो 2 कॉमन निकाल लिया ना, तो 2 कहाँ से बच जाएगा भाई, 2 थोड़ी ना बचेगा, ये सही है। ओके, हो गया, ये दोनों आपका आंसर है। तो अगले लेक्चर में मैं फिर इसका अदर क्वेश्चंस लेके आऊँगा, एक्सरसाइज 4.3 का एक या दो लेक्चर हार्डली लगेगा और ख़त्म हो जाएगा, एक ही लेक्चर में ट्राई करें ख़त्म करने, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम उसी में है, और फिर उसमें स्पेशल क्वेश्चंस हैं जो के वगैरह के क्वेश्चंस हैं वो बताएंगे। ठीक है, तो इसी तरह से पढ़ाई कीजिए, एक एक चीज़ को देखिए ध्यान से कि कहाँ आपका फंस रहा है क्वेश्चन, जहाँ फंसे वहाँ वीडियो को प्ले करिए और फिर सॉल्व कीजिए।